फाइनली हमारे कॉलेज खुल चुके हैं। और भी हम लोग कॉलेज। हेलो सरबजीत। हेलो। कॉलेज से यहाँ पे करेगी बाइक का कोर्स स्टार्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ईगल ऑन। तो भाई फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका तुम लोगों को इतनी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था कि भाई कॉलेज रिएक्शन लाओ, कॉलेज वाली वीडियो लाओ। तो भाई फाइनली हमारे कॉलेज खुल चुके हैं और आज फर्स्ट डे है कॉलेज में। और वैसे भी देखा जाए तो आज हमारा फर्स्ट डे ही है कॉलेज में एज अ थर्ड ईयर, मतलब ठीक है। तो अब हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं, अब हम सीनियर हो चुके हैं और बस तगड़े रिएक्शन बनाएंगे आज जाके और भाई पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे। मैं कॉलेज रिएक्शन लिखता हूँ वीडियो के टाइटल पे, बट वो सिर्फ कॉलेज रिएक्शन तक सीमित नहीं होता, पूरी कॉलेज लाइफ दिखाता हूँ, अपनी मस्ती दिखाता हूँ जो हम लोग करते हैं। और बस और क्या, बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो जीटी खड़ी हुई है, जीनोसो खड़ी हुई है। और सही बता रहा हूँ, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, बहुत ही प्यारा लगता है। फिलहाल फटाफट इसका कोर्स स्टार्ट करके निकलते हैं और सीढ़ियों पिक करते हैं। जरा अपनी जैकेट पहन लूँ, बट पहले मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। चलो जी, जय श्री राम। चलो ओए होए, आज इसका कोल्ड स्टार्ट तुम्हें थोड़ा हल्का लगेगा क्योंकि मैं इसको सुबह पहले एक बार स्टार्ट कर चुका हूँ। टेम्परेचर देख सकते हो 58, बट ये लो तुम थोड़ा सा रेस्ट सुनो। सुबह सुबह इतना हल्ला भाई साहब, भाई ज्यादा हल्ला नहीं करते। अब एक काम करते हैं, हम फटाफट से निकलते हैं और तुम्हें मिलते हैं सीधे रास्ते में, सीधी कोई पिक करना है अभी। ये ले लो भाई, ये चुकी हमारी वीडियो की क्यूट गर्ल। हाय हाय कर दे। हेलो ये क्यों पहन रखा जब हेलमेट पहन नहीं है तो? सो बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग निकल चुके हैं घर से और भाई आज बिल्कुल भयंकर भगते हुए कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। और यार तुम मौसम देखो, आज देहरादून का क्या मौसम हो रहा है भाई, देख रहे हो ऊपर पूरा मस्त दिख रहा है। बाकी ये ग्लव्स पहन लिए मैंने और जैकेट उतार दी भाई क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, ह्यूमिडिटी हो रही है, मतलब मौसम तुम्हें दिख रहा है ठंडा ठंडा टाइप, पर ना वो होती है ना घमस टाइप, अजीब सी वो हो रही है चिपचिप वाली गर्मी। बट ये है कि अभी बाइक चलाने में मजा आ रहा है क्योंकि भाई मौसम देखो सामने ऐसा लग रहा है कोहरा हो रखा है भयंकर। हम लोग आए और आते साथ ग्रीन हो गया, काश आगे वाला भी ऐसी हो जाए तो मजा आ जाएगा भाई। और हाँ चलो ये बात मैं तुम्हें आगे आगे बताता हूँ। और फिलहाल एक चीज तुम लोग अभी से कर दो भाई, फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके कर दो ऑल पे और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी भाई जितने भी मैं चाहता हूँ जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी अपनी जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर ले क्योंकि सबकी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, तो कर लो मेरे भाई लोग, तुम्हें वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। बाकी अभी हम हैं दिलाराम चौक पे जहाँ पे हमारे साथ सीन हुआ था भाई, बच गए उस दिन तो बस। इलेक्ट्रिक, ये बस से बड़ा डर लगता है भाई, ये कहीं भी रुक जाती है। ये देखो चलो यहाँ पे तो स्टॉप है इसका क्या। हाँ भाई दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, तभी तो उसमें वीडियो आएगी, उसको सब्सक्राइब करो फिर डालते हैं उसमें वीडियो। यार एक स्ट्रेच लेने का मन कर रहा है यार, अब खाली जगह मिल जाए बस एक। चलो जी एक पुल, भाई खतरनाक बिल्कुल भाई खतरनाक भाई खतरनाक भाई। बताओ पहला दिन कॉलेज का और तुम सुपर बाइक पे जा रहे हो कॉलेज पे आकर, और क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। जस्ट इमेजिन कि ये तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे और तुम सुपर बाइक से कॉलेज जा रहे हो, ओए होए भाई साहब। अभी कॉलेज में एंट्री लेने में जो मजा आता है ना, वो मजा इसको कहीं चलाने में नहीं आता भाई।
खींचो ना कसम से उड़ने लग जाती है भाई, आगे से ना ये उड़ती पूरी फील होती है भयंकर। वो तो मेरे को व्हीली मारनी आ गई है, तो मेरा उस पर कंट्रोल बैठ रहा है। ये चीज बहुत जरूरी है भाई सुपर बाइक में, तुमको व्हीली मारनी आनी चाहिए ताकि अगर कभी गलती से व्हीली उठे तो तुम उसे रोक सको, उसे संभाल सको। तो इसलिए व्हीली आनी बहुत जरूरी है अगर तुम ऐसी मशीन चला रहे हो, एटलीस्ट उसको संभालना आना चाहिए, और संभालना तभी आएगा जब तुम्हें व्हीली करनी आती होगी। तो सिंपल भाषा में व्हीली सीखनी होगी वो नॉर्मल बाइक पे, ये नहीं कि तुम इसको लेके ऐसे उछालने लग जाओ। एक नॉर्मल बाइक पे व्हीली सीखनी होगी ताकि इसकी व्हीली तुम संभाल सको। चलो जी बस स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे यार, क्योंकि अभी हम लोग सिटी के आउटर में नहीं है, वो तो रोड खाली है तो इतनी चला पा रहे हैं हम यहाँ पे। पता अगर तुम कोई यहाँ पे एक्चुअल लाइफ में खड़े हो ना, तुम पैसिफिक पे खड़े हो जाओ और वहां कोने से लेके यहाँ तक जब मेरी गाड़ी पूरी जाती है ना, पैंकर क्या आवाज आती है यार। अभी तो 9:08 हो रहे हैं, पहुंच जाएंगे टाइम पे। चलो जी हाँ एक कॉपी लेके आया हूँ, एक कॉपी लेके आया हूँ। पेन नहीं लाया लेकिन मैं पेन ले लूंगा किसी से, पेन नहीं लाया मैं पेन ले लूंगा किसी से। अच्छा बेटे रेस 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 बेटा, इसका एक गियर तेरे सारे गियर के बराबर है। हम लोग कॉलेज, ओहो कॉलेज के अंदर नो हल्ला गुल्ला। रिस्पेक्ट देम सो विल दे विल रिस्पेक्ट यू ऑल्सो। पानी क्यों बोलता हूँ टूटी फूटी अंग्रेजी में। हाय 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 कॉलेज के अंदर देख रहे हो भाई, पांचवा गियर चढ़ा रखा है मैंने बिल्कुल हल्के 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 हल्के। ओए होए चलो जी पहुंच गए हम लोग कॉलेज, आज तुम्हें मिलाते हैं वापस से जल्दी से अपने दोस्तों से, बड़े दिन हो गए उनसे मिले हुए हमें भी, तो मिलते हैं और तुम्हें मिलाते हैं और सीधा मिलते हैं हम क्लास में। चलो हेलो सौरभ जी, इतने दिनों बाद कैसा लग रहा है आपको मेरे ब्लॉग में आके? देखो भाई अपग्रेडेशन देख रहे हो, मैडम ने सीधा 14 प्रो मैक्स ले लिया। देख रहे हो भाई अमीर लोग हैं। अपना फोन मत दिखाइयो जो हर महीने से होगा। बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन फिलहाल हम अपनी मील एंजॉय करते हैं, पहली बाइट मैं खाऊंगा एज ऑलवेज। ए मेरी पहली बाइट हट जा। तूने मार्केटिंग की टिकट लगा दी क्या? डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो तो नींद में अभी भी ठीक भाई, कैसा मूड हो रहा है इसका? मैं 11 बजे उठती हूँ और अभी 10 बजे हैं तो एक क्लास में। गाइस मैं आपको 11 बजे मिलती हूँ, बाय। हेलो हेलो इतने दिनों बाद, सो लॉन्ग। इसकी वजह से ना मेरा पेपर छूटा है, इसकी वजह से। ये तू कर दी क्या? मैं पेपर छुड़वा, मेरा आउटलुक बंद था। तेरी जिम्मेदारी थी, तेरी पेपर तो तेरा था ना? हाँ मेरा तो नहीं, मैं तो आउटलुक बंद था, ये भी बंद था। मन मेरा पता है क्या मन कर रहा, जैसे मेरा पेपर छूटा ना मेरे हाथ में ना वाइपर था, मैं वाइपर मार रहा था, मन कर रहा था ये देख जाए मुझे, मैं इसकी खोपड़ी पे मारूंगा ये। और हमारी क्लास है, अभी क्लास में ये भी है, ये दूसरी क्लास में नहीं है। अबे यार धोखेबाज, गद्दारी कर पे, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल चल। कौन सी स्पेशलाइजेशन थी? हमारे सेक्शन में और कौन कौन है जानने वाला? अमन अमन है, अमन है, श्रुति है,
गाइस कैसे हो तुम लोग, इतने दिनों बाद मिले हो। कैसे चमन रहो, वो सॉरी अमन रहो, बढ़िया। हेलो तो बोल दो ऑडियंस को, इतने दिनों बाद कैमरे में आके कैसा लग रहा है? ये देखो कैसी क्लास मिली है इस बार हमको यार। ऊपर देखो, जरा ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर ऊपर इसकी शक्ल जैसी क्लास मिली है। अब ये लोग मुझे फिर से बोलेंगे कि भाई तुम्हारी क्लास में लड़के नहीं है क्या? जो बच्चे कुछ लड़के थे वो भी चले गए क्लास से। भाई अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं क्लास के, क्योंकि क्लास में बहुत ही डल डल आ रहा था सबका चेहरा। हाँ भाई सिद्धि रायगुन्नी, इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसका पूरे साल यही चलेगा। भाई मौसम देख रहे हो क्या मौसम हो रहा है? सीरियसली भाई IMS लोग मौसम के लिए आते हैं वैसे। ओए वो वाली भाषा में बात करनी जिसमें तुम लोग करते हो बमता रही हो। ओ ये जले हुए का निशान किस चीज का है? ये बीच में बम गिरा है, बम गिरा। आज बड़ा खाली खाली सा यार कॉलेज है, बच्चे आ नहीं रहे हैं ना, तो हम क्यों आ रहे हैं? हाँ अभी जैसे फ्रेशर्स आएंगे ना तो मैं यहाँ पे ना वो दिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बसंती, एक और चीज, झुंड तेरे हाथ में। बैठ जा, लग नहीं रहा ना। हाँ यार अभी की बात लगती है ऐसा। ये देखो भाई इसको जरा, मतलब मैं कैसे आया था चौड़ में उस टाइम, तो तुम लोगों ने किसी की तरफ देखा ही नहीं साथ में बैठे हुए थे। अपनी एकदम उसमें ना, अपनी वो कहते हैं हमें किसी से मतलब नहीं है, वैसे वाला था। उसके बाद हमको ये लोग दिखे, ऐसा लगता है कल की ही बात है, बिल्कुल कोई बोल ही नहीं सकता कि इसको 2 साल हो गए। हाँ सेकंड सेमेस्टर में। चलो गाइस, अरे चलो गाइस, शू उधर जाओ, गेट पे मिलते हैं। देखो भाई ये ग्लव्स अच्छे लग रहे हैं यार, बट इनका थोड़ा सा कलर डल है, बट GT के लिए बढ़िया है। ये देखो टैनिंग देख रहे हो तुम, देखो भाई लिटरली भाई हाथ देखियो, ऐसी टैनिंग मेरे पूरे शरीर पे भयंकर की। कुछ आज ये पूरी ठंडी हो गई थी ना, मौसम भी ठंडा है, पूरी पार्किंग इस समय ऐसी हो रही है गूंग 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 गूंग। कितनी प्यारी लगती है यार 900, देख रहे हो भयंकर, पूरी पार्किंग में सबसे खतरनाक गाड़ी तुम्हारे भाई की। चलो जी, अबे यार इसमें फ्यूल भी कम है, फ्यूल कम हो चुका है, फ्यूल भी डलाना होगा, इसमें फ्यूल डलाते हैं। हाँ बैठ जा, टेम्परेचर ले ले जरा बाइक, फिर निकलते हैं। मुझे बिना टेम्परेचर लिए इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग में ना आवाज गूंजती है, फिर उनको लगेगा हम रेफ कर रहे हैं। भाई फाइनली इतने दिनों बाद आए ना हम कॉलेज आज, क्या बताओ, बहुत दिनों बाद, बहुत ज्यादा। 44 जल्दी आ जाओ भाई, 45, चलो जी 45 आ गया, निकलते हैं यहाँ से, अभी थोड़ा आगे चलने तक ही हो जाएगी 50। देखो जी ऐसे लगते हैं हम शीशे में दोनों एक साथ हेलमेट में,
ओए होए, तुम्हारा भाई पहले से पतला हो चुका है, आजकल जिम शिम चल रही है अपनी बढ़िया करके, मजा आ रहा है भाई, सुकून है भाई, सच बता रहा हूँ, कॉलेज ना सुकून है यार। कॉलेज लाइफ के बाद क्या होता है, मैं तो सोच के बड़ा डरता हूँ यार कि क्या होगा कॉलेज लाइफ में इसके बाद। कहाँ चलना है, ऊपर चले नीचे चले? हाँ किधर जाना है, उधर या उधर? ऐसी वेले किधर? तुम ट्राई करो फिर इसके बाद अच्छा लगा तो हम भी खाएंगे बाद में, ये हमारे एक्सपेरिमेंट मॉडल है। नहीं थोड़ा सा घूमेंगे फिर घर चले जाएंगे, देखते हैं कहीं ना कहीं तो घूमेंगे, घर तो जाएंगे नहीं जल्दी। बाय बाय। देख के क्रॉस करो आराम से, बाय चले, बाय बाय। अच्छा वहाँ वो पढ़ने गए क्योंकि बारिश आनी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हल्की हल्की पड़ रही है, मतलब ऊपर अच्छी खासी आ रही है, इसीलिए हम लोग आज गए नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ यार कॉलेज ना सारे दोस्त एक ट्रिप बनाते हैं, लंडौर जाएंगे, तो बताओ अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो देखने में तो उसको जल्दी से जल्दी बनाएंगे, जिस दिन भी हम फ्री हो जाएंगे कॉलेज से जल्दी हम जाएंगे यहाँ से लंडौर और एक बढ़िया सा व्लॉग बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे मजे करेंगे और तुमको भी दिखाएंगे भाई कैसा है लंडौर अपना। ये वाली आवाज सुनी तुमने 900 की? भयंकर, मुझे ये आवाज ना मेरी फेवरेट है, ये तुम्हें ना ECU के साथ खेलना होता है, ये रेस के थ्रू तभी निकलती है आवाज, वरना अगर इसको नॉर्मली चलाओगे। अबे यार मैं भूल गया था पहाड़ी पे रोकनी है। यहाँ खड़ी कहाँ होगी बाइक? लेकिन तो जी आ चुका है अपना कढ़ी चावल और सिद्धि का राजमा चावल। गाइस भाई ये बेस्ट है, अगर तुम यहाँ कभी आओगे ना पार्टी आओगे, मेन्यू में तो नहीं दिखेगा पर तुम बोल देते हो कि भैया कढ़ी चावल कर दो राजमा चावल कर दो, 60 रुपीज़ का है, मज़ा नहीं आ गया तो नाम बदल देना भाई, कसम से बहुत टेस्टी है ना। चलो भाई फिनिश करते हैं और मिलते हैं हम तुम्हें घर जाते हुए। ओके चलो चलो जी, हो गया अपना खाना पीना, अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब देखना बॉयज, नहीं नहीं ये तो कोई और है भाई, अच्छा करा नहीं, मुझे लगा था मन छूती है। और गाइस तुम लोगों से मैं एक ही चीज बोलने जाऊंगा कि स्टे ट्यून्ड, क्योंकि एक बहुत खतरनाक चीज होने वाली है, मतलब ये लगा लो तुम्हारा भाई एक बहुत डिफरेंट टाइप का कंटेंट बना रहा है, बन रहा है वो, मतलब बनेगा, बट हाँ उसकी प्रिपरेशन में बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो अब जाके मैं उसको बना पाऊंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, कुछ ही दिनों में वो वीडियो आ जाएगी। बाकी यार बहुत 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 जल्दी पापा और मैं एक लॉन्ग राइड पे निकलने वाले, तुम बोल रहे थे ना भाई पापा के साथ एक राइड करो, पापा के साथ राइड करो, तो मैंने सोचा छोटी मोटी तो एक कर लेंगे आसपास की, बट अब एक हम डिसाइड कर चुके हैं कि यार एक लॉन्ग टूर कहीं का बनता है, मतलब लॉन्ग मतलब बढ़िया वाला लॉन्ग, तो समझ रहे हो ना, मतलब तबाही कंटेंट है ऑन द वे, बिल्कुल तबाही कंटेंट में एंकर। बाकी फटाफट निकलते हैं यार, सिद्धि को भी घर ड्रॉप करना है। नाउ वेट फॉर द पुल गाइस, अगर जगह मिली तो एक पुल लेंगे। ओए होए अनएक्सपेक्टेड था ये वाला।